हम उन्हें नेता नहीं कहेंगे क्योंकि नेता एक ऐसा संबोधन है जो उन पर फिट नहीं बैठता। सच्चे अर्थों में वे जमीन से जुड़े ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा और उनके लिए काम करते रहे। वे सच्चे अर्थों में ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो जन के अपने थे। उनकी किसी भी समस्या का समाधान उनके पास था। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो सिर्फ वे ही कर सकते थे। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत एक कुशाग्र बुद्धि के दूरदर्शी व्यक्ति थे। असाधारण बौद्धिक क्षमता के धनी स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की स्कूली शिक्षा रायपुर के पास सारा गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था, जिन्हें पढ़ाई के लिए उन्हें भेजने के लिए आने वाले खर्च के बारे में सोचना पड़ा था। नागपुर में बीए, एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसा एक साधारण परिवार सोचता है कि कहीं नौकरी लग जाए और जीवन की नैया चल पड़े, कटनी में तहसीलदार की नौकरी भी लगी और उन्होंने लगभग एक माह की नौकरी भी की। लेकिन मन और विरासत में मिली सोच को कुछ और ही मंजूर था। बेहद साधारण कपड़ों में रहने वाले स्वर्गीय बिसाहू दास महंत ने जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और 1952 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 1957 से लेकर 1962, 1967, 1972 और 1977 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा और 6 बार वे विधायक बने। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि इन 6 चुनावों में उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्र बदले और विजयी भी रहे। मध्य प्रदेश सरकार में 1969 में वे पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और 3 बार वे कैबिनेट मंत्री के रूप में लोक निर्माण विभाग, जेल, श्रम, आदिम जाति कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग तथा नैसर्गिक संसाधन जैसे विभागों में रहकर उन्होंने जनता की जरूरतों को बखूबी पूरा किया। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी बखूबी निभाया। उन्होंने कोरबा, जांजगीर चांपा क्षेत्र के लिए वहाँ की सबसे बड़ी जरूरत को पूरी की। इस क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हसदेव बांगो बांध उन्हीं की देन है। इस बांध के बनने के बाद कोरबा और जांजगीर चांपा, जहां लगभग 80% क्षेत्रों में किसानी कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए पानी की कमी थी, उसे उन्होंने पूरा किया। यह उनकी परिकल्पना थी, वे इसके स्वप्न दृष्टा भी थे जिसे उन्होंने साकार किया। जांजगीर चांपा क्षेत्र में कोसे के कपड़ों की कई छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो घरों से संचालित की जाती हैं। वहाँ के कई घरों में इसका कारोबार है और आज कोसा के लिए जांजगीर चांपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि के प्रमुख माध्यम स्वर्गीय बिसाहू दास महंत थे। वे अक्सर इन इकाइयों का भ्रमण करते रहते थे और यहाँ के बुनकरों को प्रोत्साहित करते कि वे अपने इस उत्पाद को शहर से बाहर भी बाजारों में ले जाकर बेचें। यहाँ कोसे के कुर्ते और धोती बनाने के साथ साथ कांसा के बर्तन और सोने चांदी के जेवर भी बनाने का काम किया जाता है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने मित्रों को उपहार देने के लिए कोसे के कपड़ों को प्राथमिकता दी और शासकीय कार्यालयों के पर्दों सहित अन्य जगहों पर इसके इस्तेमाल का आदेश दिया। इसके प्रोत्साहन के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल कारपोरेशन की स्थापना भी की। आज इस क्षेत्र का कोसा अमेरिका सहित पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसिद्धि पा चुका है। यह उन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत बेहद स्वाभिमानी थे। समय और परिस्थितियों का मुकाबला करना उनकी विशेषता थी। राजनीति में रहते इस तरह की परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, जिसके बाद ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ का परिचय लोगों के सामने होता है। उनकी सादगी के चलते लोग उनके दीवाने थे, जिसका उदाहरण उनके लगातार चुनाव जीतना और क्षेत्र बदलने के बाद भी जीतना हमारे सामने है। दरअसल इस तरह का गुणधर्म ज़्यादातर किसानों में होता है और वे किसान परिवार से ही थे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उनकी इस विरासत को अब उनके पुत्र चरण दास महंत आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वे सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं
और वे वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं।